सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे गांव के रामलीला का मेला है, दशहरा मेला है। पीछे आप बैनर देख सकते हो जो कि रामलीला का लगा हुआ है, एंड दुकानें यहां भाई रोड से ही लगने शुरू हो गई हैं। और इस मेले को मैं इसलिए एक्सप्लोर कर रहा हूं क्योंकि यहां से हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। हमारे गांव के जो भी दर्शक इस ब्लॉग को देख रहे हैं अभी, वो बचपन से इंजॉय कर रहे होंगे मेले को। उनके लिए ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज उनकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। रामलीला का जो ये आयोजन हमारे यहाँ बहुत सालों से हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बचपन से ही मेले का आनंद उठाते आए। तो ये ब्लॉग जो बाहर है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, और जो हमारे गांव के यहाँ नहीं आ पा रहे मेला में किसी भी खास वजह से, तो उनके लिए भी खास होने वाला है। चलते हैं मेले को, एक बार घुमाता हूँ आप सबको कि किस तरीके का मेला इस बार लगा हुआ भाई 2023 में। दुकानें देख रहे हैं यहाँ पे लग चुकी हैं, गुड़िया वड़िया इसमें टंगी हुई हैं, और ये भाई साहब उसमें गुब्बारे जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ शुरू हुआ। सामने बैनर भी लगा हुआ है, श्री रामलीला समिति खाई, और भाई साहब यहाँ पे जस्ट इंटर कर रहे हैं। भैया फोटोज की दुकानें हैं, जो कि आप बड़े बड़े तस्वीरें अपने घर में लगाना चाहें भगवान भगवान की, क्योंकि यार दिवाली में भगवान की पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश की, तो वो भी इनके पास है। और खिलौना वगैरह एवरीथिंग सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। खाने पीने के लिए और गुब्बारे वगैरह की दुकानें भी, बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है मूँगफली पानी पूरी, कोई भी चीज़ की दुकान, यार कई कई सारी दुकानें आई। जैसे कि अब जलेबी की दुकान है, जलेबी की दुकान तो भाई जलेबी मेले के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, तो चारों तरफ ये मस्त है। और ये बचपन की यादें आप देख सकते हो, इधर उधर करता है ये पानी, इधर उधर होता है। चलो ठीक है, बाद में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग यार। और जलेबी के गरम गरम जलेबी कट रही है, वाह गुड़हिया जलेबी है ये। तो अलग अलग जलेबी, अलग अलग मिठाई, अलग अलग चाट भंडार, और देहाती बर्गर, देहाती बोल सकते हैं। विकास भाई की दुकान है ये, वैसे भी गांव में इनको ऑलरेडी सब जानते हैं, चाट वाट के नाम पे इनकी अच्छी चाट की दुकान है गांव में हमारे। तो आज इनकी दुकान भी यहां पर आ चुकी है, और काफ़ी बड़ी सी दुकान है इनकी यहां पर भी। चाट चाउमीन ये सारी चीज़ें इनके यहाँ मिल रही हैं, और एकदम फ्रेश बनाते हैं भाई, क्योंकि गर्मा गर्म तुरंत बनाते हैं तो अच्छा लगता है खाने में। और इनके जस्ट अपोजिट साइड में भी उसी चीज़ की दुकान लगी है, इन भाई साहब को मैं नहीं पहचानता हूँ, आई थिंक जिधर के भी हों, तो इनकी भी दुकान भाई प्यारी लग रही है हमारे हिसाब से, अच्छा सजाया इनने। तो दुकान इतनी प्यारी सजी होती है, कस्टमर उतनी ज़्यादा आते हैं भाई, क्योंकि देख के किया दूर से अच्छा लग रहा है, चलो वो खाते हैं, ऐसा हो जाता है। और ये देख सकते हैं ये तुम्हारी दुकान है, इसने भी दुकान लगा रखी है, हमारे वीडियो में आपने इनको देखा होगा। तो प्यारी सी भेल पूरी की दुकान है, अच्छी लग रही है, इसने अच्छा सजा रखा है। तो आप लोग ब्लॉग तो बाद में ही देखोगे, जब भी देखना। और कहीं लगाते हो दुकान? कहाँ लगाते हो और? अरे जहाँ जहाँ मेला लगता है, जहाँ मेला लगता है वहाँ लगाता है। ये बैठ बैठ की भी दुकानें आई है। तो पहले जब मैं बचपन में छोटे थे हम लोग यार आते थे मेले में, तो इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, मगर आपके टाइम में वो मिलने लगी हैं बहुत सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है मेला। बच्चों के लिए खिलौना ज़्यादा आता है, क्योंकि बच्चे आते ज़्यादातर मेले में, गाँव का मेला रहता है, वो जिद करके कोई भी गाड़ी वाड़ी खरीदेंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा ही बिकता है, तो फिर बच्चों के लिए ज़्यादा ही ये हो जाता है खरीदने के लिए। तो ब्लॉग यार बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, इस वजह से छोटा छोटा करके सब दिखा दे रहा हूँ। स्पैक्स की दुकान है, चश्मा की दुकान है, आप देख सकते हैं गोला गोला घुमा के, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ के लगे हुए हैं। ये पहले नहीं होते थे भाई हम लोग के बचपन में, बच्चे ज़्यादातर यही सब जिद करने लगेंगे। और भाई बच्चों की सबसे फेवरेट चीज़ गुल्लक, गुल्लक आजकल बच्चों के लिए फेवरेट नहीं हो रखा है भाई, पैसा कोई बचाता ही नहीं है, पहले होता था हम लोग खरीदते थे पैसे बचाते थे उसमें। और ये रही केक की दुकान, तो बच्चे खाना पसंद करते हैं, पर मुझे तो केक नहीं पसंद है एक्चुअली में। और यहाँ भाई साहब की दुकान, हमारे गांव की मोस्ट फेमस दुकान है इनकी जलेबी की, इनकी और पप्पू भाई की दुकान, उनकी भी दिखाऊंगा, उनकी बहुत फेमस, पप्पू भाई की टंकी भाई के नाम फेमस है, और इनका भाई का देख ही रहे हैं आप सामने कड़ एकदम गर्मा गर्म जलेबी। दादी आपकी उम्र कितनी है? हमारी हाँ 70 हो गया, जलेबी काढ़त काढ़त, तो आप समझ सकते हैं कि 70 साल जलेबी काढ़ी है, इनका एक्सपीरियंस कैसा होगा जलेबी को लेके। कौन कौन सा जलेबी बना रही हैं आप? चीनी के गुड़ की, चीनी वाली गुड़ वाली, सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है? ज्यादा पैसा किस में बचेगा? किसमें ज्यादा पैसा बचेगा? बचेगा किस में? दोनों में ऐसे बचता है। तो भाई यार कोई भी खरीदोगे उनको सेम पैसा बचने वाला है, तो जो आपको पसंद हो खरीद सकते हो। बाकी चलते हैं पप्पू भाई की दुकान दिखाते हैं, जो कि गांव में बात इसलिए कर रहे हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा जलेबी बिक जाएगी हमारे बात करने से सिर्फ। और यहाँ पप्पू भाई की दुकान है, जो कि खाई में आप जानते ही हैं फेमस दुकान है भाई, कई जगह इनकी दुकानें हैं, कौवा मार्केट में है, बस्तर मार्केट में इनकी दुकान लगती है, और यहाँ पर इतनी बड़ी दुकान लगी, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी दुकान है। और देख सकते हैं बेहतरीन डिशेज बना रहे हैं भाई साहब, वाह
और यार गांव क्या, कई गांव इनको लोग जानते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारा खाना बनाते हैं, ऑर्डर भी लेते हैं। इनका खैर बैनर यहाँ नहीं लगाने, दिखा देता, इनका नंबर भी मिल जाता। थोड़ा इनसे जानकारी ले लो यार, क्या क्या इसमें क्या क्या मिला रखे भैया? बहुत आइटम है, मतलब फायदेमंद है सारी चीजें, नुकसानदायक चीजें हैं? नहीं, नुकसानदायक नहीं है, सब फायदेमंद, सब फायदेमंद टेस्टी चीजें हैं भाई। क्या मिलाए हैं ये? सोया सॉस, चिली सॉस इन्होंने भी मिला, बर्गर वर्गर सारी चीजें हैं यार इनके यहाँ। मैं क्या क्या गिनाऊंगा, मुझे इतना अंदाजा भी नहीं क्या क्या चीजें कौन सी चीज होती है। बाकी ये रहा गूगल पे, अगर आपने पैसा भूल के चले गए घर तो वहाँ से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। खैर देख रहे हो, वाह मंचूरियन। और यहाँ भी जलेबी, ये इन्हीं की शाखा है, इधर एक शाखा है जलेबी की दुकान, वहाँ पे पूरा तीखा आइटम मिलेगा और यहाँ पे मीठा आइटम जलेबी। और वाह गर्मा गर्म जलेबी यहाँ पे निकल रही है बाहर, मेरा मन लगा के एकदम कढ़ाई कर था सेठ। कौनो लाइन तो छोड़ रहा जहाँ से ना पैसा, वो चारों कहती कुली गाँव में कब्जा हुआ पप्पू भाई के, गेहूँ धान से लाई के जलेबी चाट फूल के कुल बेच दे औरजनक भी कहता। दो दुकानें हैं इस चीज़ की भाई, जलेबी की वजह से बहुत सारी दुकानें हैं, दो दुकानें पेस्ट्रीज की भी है, तो बच्चे पसंद करते हैं आके खाइएगा। आप गांव के हो ना, खाई के हो? नहीं नहीं, खाई के नहीं हो? अच्छा पनासा से। भाई कई 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 गांव के लोग आए यहाँ पे दुकानें लगाने, काफ़ी दूर दूर से आए, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा गाँव के गाँव में हमारे इतने दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर दुकानें लगाए हैं। और प्रेम भाई की दुकान को तो मैं दिखाया नहीं भाई, ये करोड़ों साल पुरानी इनकी जलेबी की दुकान, देख रहे ये जलेबी के थोक विक्रेता है, करोड़ों साल पुरानी इनकी दुकान है, मतलब यहाँ पे थोक दाम में मिलता है। अच्छा जो खाए वो क्यों पछता है? वो भी पछता है, क्यों जो खाए वो क्यों पछता है? अरे भैया जलेबी इधर है, आपका ध्यान किधर है? प्रेम भाई की दुकान इधर है, जलेबी वाले प्रेम भाई देख रहे एकदम झमाझम कुरकुरे। अरे यार जो देखा था वो कर तो भाई लगी हमारे, चलो भाई हमारे बाबा लगते हैं और कुरकुरे दाद अब जलेबी निकाल रहे हैं, ये ज्यादा ज्ञान मारते हैं इनसे, रसीद मिलनी हो जाए। का बनाया है इनके यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, वैसे इन लोगों को परिचय की जरूरत नहीं है, पूरे गांव में फेमस है वैसे ही। तो अब इनके पिताजी से मिलवाते हैं जिनका नाम फेमस है, ये देखिए इनकी मिठाई की दुकान है ये, इसमें जलेबी लगी हुई है। इनकी नई नई शाखा अभी खाई से थोड़ा सा आगे जाएंगे बस्तर के जस्ट पहले, वहाँ पे इन्होंने एक नई दुकान ओपन करी है किराना स्टोर, अगर आप लोग नहीं जानते हमारे ब्लॉग में आप लोग जान गए हैं, वहाँ पे विजिट करिएगा और सामान खरीदिए। तो भाई प्यारी इस दुकान यहाँ पर लगी है। और सबसे मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको अब, रावण जो बन रहा है जिसके लिए मेला लग रहा है, रावण मरेगा ले मेला सफल हो जाएगा, और गाना यहाँ पे बजना शुरू हो गया, कॉपीराइट घुस जाएगा मेरे वीडियोज़ में। अकोड़ा से आए हैं आप? तो भाई साहब अकोड़ा से आ चुके हमारे मेले में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। और गुब्बारे की दुकान भाई साहब यहाँ पर लगातार फुलाते हुए, बच्चों की फेवरेट दुकान भाई। और ये रहा रावण जिसको भी मार दिया जाएगा, और ये रहे भाई साहब कलाकार आदमी, इनको मैं परिचय कराऊंगा आपको मेरे वीडियोस में, उसमें आप लोग देखिएगा, बहुत ही उम्दा कलाकार है, बहुत ही प्यारा गाते हैं, तरह तरह की गीतें इनको आती हैं क्लासिकल से। तो भाई वीडियो के म्यूजिक को कर दिया म्यूट क्योंकि यहाँ पे गाना बजने लगा था, ब्लॉग में एक रुपए भी नहीं आता इसलिए मैंने म्यूट कर दिया, वॉइस ओवर कर रहा हूँ। रावण बनके तैयार हो चुका और इवनिंग होने वाली है, सूरज ढल जाएगा और चाचा लगातार गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। दुकानें मोस्टली सभी लग चुकी हैं, खिलौने की दुकान कुछ ज़्यादा ही आई है क्योंकि बच्चे खिलौना देख के खुश हो जाते हैं। दाने की दुकान आप सामने देख सकते हैं, मेरे गांव का ही लड़का है, इसने भी लगा रखा है भाई। सब लोग मतलब अपनी दुकान लेके आ गए भाई साहब, फुल तैयारी में पैसे कमाने के लिए। अमित फास्ट फूड भी आ गए हैं, ये बनाते हैं एक्चुअली मोमोज और चाउमीन वगैरह, इनकी भी बड़ी प्यारी दुकान है, मैंने खाया इनके यहाँ, काफ़ी अच्छा बनाते हैं यार इनके फ़ोन पे। अब चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाते हैं, और एक बार अपने ग्राम प्रधान अजीत शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने रामलीला को वापस से स्टार्ट करवाया और काफ़ी पब्लिक उनको पसंद भी करती है। ये रहे अपने हनुमान जी ये रोज़ नहीं बनते हैं एक्चुअली में, आज झांकी के लिए बनाया गया है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है भाई हनुमान जी कैरेक्टर में। और ये रहे अपने लक्ष्मण, कुंडल ढूंढ रहे हैं अपना भाई साहब, इनका खो गया है, अपने से ही खोज रहे बताओ, ये सही है। और ये रहे अपने लाला भाई, हमसे बहुत छोटा है भाई वो, प्रवीण भैया। और ये बना है कृष्णा बना लड़का झांकी के लिए, झांकी निकालेंगे। और ये रहा राधा, लड़कों को ही राधा उधा बना देते हैं यार, अब ये भी कुछ बना ही हुआ है, मुझे नहीं पता क्या बना हुआ है। और सब लोग अपने मेकअप में परेशान है भाई, मेरा चेहरा अच्छा लगना चाहिए, ये कंडीशन रहती है। और राम का कैरेक्टर यही लड़का रोज करता है, और आज के दिन भी राम बने हुए हैं। और ये रहे अपने उपाध्याय भैया, सबको भाई तैयार होने में मदद करते हैं उनकी, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, भगवान के काम में टाइम देते हैं।
और ब्लॉग मोस्टली आप बंद करेंगे। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब।